नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेराव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक मां अपने दो बेटों की सगाई करने के लिए अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जोधपुर जाती है। दोनों बेटे, एक की उम्र 20 वर्ष है और दूसरे की उम्र 18 वर्ष। दोनों की सगाई कर देती है मां और वापस सगाई करके घर लौटती है। मां के मन में यह खुशी होती है कि मैं मेरे घर जाऊंगी, हमारे घर में खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आज मेरे दो बेटों की सगाई हुई है और आने वाले दिनों में इन दोनों बेटों की शादी करके मेरे घर दो बहुएं आएंगी। लेकिन उस मां को क्या पता था कि मैं मेरे घर जैसे ही पहुंचूंगी तो मेरे घर में मातम छाया हुआ होगा। जिन बेटों की मैं सगाई करके आई हूं, वो दोनों बेटे आज इस दुनिया को छोड़कर एक साथ सदैव सदैव के लिए जा चुके हैं। जी हाँ, यह घटना मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र की बता रहा हूं। बीते दिन बालोतरा क्षेत्र के जागसा गांव में एक पानी की डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बड़ा भाई, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, जिसका नाम बंसीलाल है, बंसीलाल और छोटा राम दोनों एक खेत में कृषक का काम करते थे। पिछले कई वर्षों से एक किसान के खेत में कृषक का काम करते थे। कल दोपहर को बंसीलाल को प्यास लगी तो अपने खेत में बनी पानी की डिग्गी में पानी पीने के लिए गया और जैसे ही पानी पीने लगा तो उसका पैर फिसल गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को पैर फिसल कर डूबते हुए देखा तो छोटा भाई भी रस्सी के सहारे अपने बड़े भाई को बचाने के लिए उस डिग्गी में उतर गया। लेकिन भगवान को ये मंजूर था कि दोनों भाई वापस डिग्गी से बाहर नहीं निकले और दोनों की ही पानी में डूबने से मौत हो गई। करीब 2-3 घंटे तक दोनों भाइयों के शव उस डिग्गी में तैरते रहे। जब उन दोनों भाइयों का एक बड़ा भाई उस डिग्गी के पास जाता है तो उनके जूते बाहर थे। इस बात को लेकर बड़े भाई को संदेह हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है और उसने डिग्गी के पास जाकर देखा तो उसके दोनों छोटे भाइयों के शव तैरते नजर आए। इस पर जोर से चिल्लाया। इस पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और दोनों के शव बाहर निकाले गए और बालोतरा के नाहटा अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाए गए और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। शव के पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए। ऐसे में आप सोचिए कि किस प्रकार से उस घर के हालात होंगे। जिस घर में खुशियां मनने वाली थी, आज उस घर में मातम छाया हुआ है। एक ही परिवार के एक मां के दो जवान बेटे इस दुनिया को छोड़कर सदैव सदैव के लिए चले गए। पानी की डिग्गी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी किसान भाई हैं, उन लोगों से हमारी एक अपील है कि यह घटना पानी की डिग्गी में डूबने से मौत होने वाली पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। अगर बात पिछले करीब एक महीने की करें तो बाड़मेर के शिव क्षेत्र के देवका गांव में भी दो सगे भाइयों की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई थी। और इस प्रकार करीब एक महीने बाद इसी प्रकार की दूसरी घटना हमारे सामने आई है, जिसमें दो सगे भाई पानी की डिग्गी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। उनके घर में खुशियां थी, दोनों भाइयों की सगाई करके मां घर लौटी थी और उन दोनों के घर पहुंचे तो दोनों के शव आंगन में रखे हुए थे। अपील यह है कि किसान भाई हमारे जितने भी हैं, ध्यान रखें कि आजकल खेती के लिए पानी की डिग्गियां हर खेत में बनाई जाती हैं और उस डिग्गियों के अंदर इस प्रकार का प्लास्टिक बिछाया जाता है कि हर किसी का भी पैर फिसल सकता है। तो इस प्रकार की डिग्गियों से दूर रहें, सावधानी बरतें। पानी पीना है तो किसी और जगह से पानी लेकर आएं, घर से लेकर आएं, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें कि वो लापरवाही जान पर बनाए। इस पूरे मामले को लेकर बालोतरा पुलिस का क्या कहना है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। जागसा से कल टेलीफोन आया था कि दो लड़के वो पानी में डूब करके ख़त्म हो गए, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, जहां पर सत्तर सिंह का डेरा था, सत्तर सिंह सनो भीम सिंह राजपूत, जहां पर पोलाराम का परिवार, पोलाराम भील का परिवार 20 साल से वहां पर कृषि कार्य कर रहे थे। उसके दौरान ये दो लड़के, इनका पहला बड़ा लड़का उसका नाम था बंसीलाल, उम्र से 20 साल है, और उससे छोटा भाई है उसका नाम है छोटा राम। दोनों ही कृषि कार्य कर रहे थे। उसके दौरान उनको प्यास लगी तब पानी लेने के लिए इसका बड़ा भाई बंसीलाल
वहाँ पर डैम, पानी का डैम बना हुआ था जो पानी से 12 फीट गहरा था, जो उसके ऊपर प्लास्टिक का मैनिया लगा हुआ था। वो जैसे ही पानी लेने के लिए बड़ा भाई बंसीलाल वहाँ गया और वहाँ से पानी निकाल रहा था, त्यों ही उसका पैर फिसल गया, फिसलने से वो पानी के अंदर डूब गया। तब उसके पास में उसका छोटा भाई छोटा राम, उसने उसको डूबते हुए देखा तो उस वो रस्सी के सहारे वो भी उसके अंदर उसको निकालने की कोशिश की तो उसका भी पैर फिसल गया और दोनों का ही मौके पर ही मौत हो गई। आस पड़ोस के कोई लोग नहीं थे, उसकी माँ है वो विधवा है जो इनके सगपन करने के लिए जोधपुर गई थी, सगपन करके शाम को वापस आई और डेड बॉडियों को हम ला करके नाटा सफा करने में मोहसिन में रखे गए, रखवाए गए। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।